एंड थर्ड जो टाइप है उसमें हमारे पास फल्क्रम पॉइंट्स के साथ यहाँ पे हमने ये एफर्ट अप्लाई करें। इवेंचुअली अगर आप ये देखें, ये पुली सिर्फ लगाने का मतलब ये है कि अगर लोड हम डाउनवर्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एफर्ट जो है वो अपवर्ड अप्लाई करनी है। तो ये पुली आपका फंक्शन, ये एडवांटेज है उसका कि आप डायरेक्शन ऑफ लोड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इधर अप्लाई करते हैं लोड, लेकिन जो उसका रिएक्शन आता है वो यहाँ पे अपवर्ड रिएक्शन आता है, तो इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने अचीव की है। दूसरा, ये इसको आप मूव कर सकते हैं, यहाँ की नट है इसके साथ आप सिंपली इसको यहाँ से लूज़ करके और इसको जो है आगे पीछे जो है वो मूव कर सकते हैं, तो सेट करने के लिए जहाँ पे भी आपने सेट करना है। और यहाँ पे एफर्ट दरमियान में है, लोड बाहर है, तो हम लोड अप्लाई करते हैं। 3 न्यूटन्स लोड मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर, और लेट्स सी कि उसके लिए हमें कितनी एफर्ट जो है अप्लाई करनी है। सो यहाँ पे मैं एफर्ट के लिए 5 न्यूटन अप्लाई करता हूँ एंड स्टिल इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड। 7 न्यूटन्स स्टिल डाउनवर्ड। रिलीज करें जरूर। वन न्यूटन में सर ओके, अभी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 3 न्यूटन्स लोड अप्लाई किया था, दिस इज़ 2 न्यूटन एंड दिस इज़ 1 न्यूटन। और क्योंकि उसका जो लोड आर्म है वो काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ रफली अराउंड 230 mm, और हमने जो एफर्ट अप्लाई की है वो हमने अप्लाई की है यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 mm ओनली, तो उसके लिए हमें कितनी एफर्ट अप्लाई करनी पड़ी। दिस इज़ 5 न्यूटन्स, 7 2 न्यूटन्स के ये वेट्स हैं, तो 7 न्यूटन, 9, 11, 13, 15, 16, 16.5 एंड दिस आर 0.2 न्यूटन, तो 16.9 न्यूटन्स हमें एफर्ट अप्लाई करनी पड़ी है टू लिफ्ट अ लोड ऑफ ओनली 3 न्यूटन्स। सो दिस इज़ क्लास 3 मैकेनिज्म। अगेन इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, कहीं पर हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कि हमें एफर्ट ज़्यादा अप्लाई करनी हो फॉर द सेक ऑफ बैलेंस, तो हम वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। और इसके अंदर मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा दैट वुड शुड बी ऑलवेज लेस देन 1, बिकॉज लोड आपका हमेशा बाहर अप्लाई होगा, और जब लोड आर्म बड़ा होगा तो अल्टीमेटली आपके पास एफर्ट आपको ज़्यादा ही अप्लाई करनी पड़ेगी। सो लोड ओवर एफर्ट रेशियो जो है आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज की, दैट वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो दिस इज क्लास 3 टाइप ऑफ लेवर।
जिसके अंदर लोड बाहर है, एफर्ट दरमियान में। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो एफर्ट का आपने डिस्टेंस देखना है वो यहाँ से आपने इधर तक का देखना है। ये जो हम लोड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसका इफेक्ट जो है वो यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है ना कि यहाँ पे। सो डिस्टेंस शुड बी फ्रॉम फल्क्रम टू दिस पॉइंट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। सिमिलरली फॉर लोड, वो यहाँ से आपने यहाँ तक का डिस्टेंस देखना है जो कि आपके पास लोड आर्म होगा। तो इस तरीके से आप ये बैलेंस कर सकते हैं, और ये डिफरेंट लोड्स के लिए आप ये चीज़ बैलेंस कर सकते हैं। सो इसको अल्टीमेटली ये बैलेंस हो कैसे रहे हैं? इनका बैलेंस होने का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ये लोड जो है वो आपके पास, जब हम अगर लोड डाउनवर्ड अप्लाई करते हैं तो ये इस रॉड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली व्हाट इट इज़ डूइंग, इट्स प्रोड्यूसिंग अ क्लॉकवाइज मूवमेंट या टॉर्क। टॉर्क का क्योंकि मूविंग सिस्टम में होता है तो हम यहाँ पे मूवमेंट की बात करते हैं, तो एक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज। उसको काउंटर करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाना है, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं विच इज़ इन द डायरेक्शन अपवर्ड्स। तो वो एफर्ट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है। तो अल्टीमेटली जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होगा तो ये रॉड यहाँ पे बैलेंस रहेगा, अदरवाइज ये रोटेट कर जाएगा यहाँ से किसी भी रैंडम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल है लिवर का। फर्स्ट केस, थर्ड केस, तीनों के अंदर हमने काम यही करना होता है एफर्ट अप्लाई करने के लिए कि हमें क्लॉकवाइज मूवमेंट को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से बैलेंस करना होता है। तो दिस इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिवर मूवमेंट।